नमस्कार, मैं नितिशा नागर। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल पीएन वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की इस ताजा खबर पर। पूरी करो हमारी मांगें, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। मध्य प्रदेश वीएलई ने की एक वर्ष के वेतन की मांग। विधायक से हस्तक्षेप कर वेतन दिलाने के लिए दिया आवेदन। मध्य प्रदेश के सीएसईई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के अधीनस्थ महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना के अंतर्गत झाबुआ जिले की 138 पंचायतों में, जिसमें थानदला विधानसभा की 48 ग्राम पंचायतों के विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर वीएलई द्वारा विगत अक्टूबर माह से शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिया जा रहा है। बावजूद इसके अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा मानदेय नहीं दिया गया है। आर्थिक परेशानी से जूझ रहे सभी वीएलई ने आज विधानसभा विधायक वीर सिंह भूरिया को आवेदन देते हुए मामले में हस्तक्षेप करते हुए एक वर्ष के वेतन दिलाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की 5000 पंचायतों पर महात्मा गांधी ग्राम मेवा केंद्र CAC-20 के संचालन के लिए CAC गवर्नेंस लिमिटेड द्वारा वीएलई की नियुक्ति की गई है। वही उन्हें मानव संसाधन के रूप में अनुबंध की शर्तों के अनुसार मानदेय भी दिया जाने का प्रावधान है। बावजूद इसके उन्हें अभी तक वेतन मान नहीं दिया गया है। पवन नाहर की रिपोर्ट, थानदला। यहाँ पर हम लोग अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं। हम लोग सभी जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र, जो कि हम लोग सुनते हैं लोक सेवा केंद्र की भांति ही, ग्रामीण स्तर पर भी लोक सेवा केंद्र के जैसे ही महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र खोले गए थे, जिसमें कि हमें मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र आदि कार्य हमको करना था, जिसके लिए हमें एक साल हो गया है हमें ये काम करते करते। हम पंचायत स्तर पर ये कार्य कर भी रहे हैं, और आयुष्मान कार्ड के लिए भी हम लोगों ने, हमारे जो वीएलई है, हम लोगों ने ये कार्य बहुत ईमानदारी से किया है। पर उसके बावजूद भी आज एक वर्ष होने के पश्चात भी हमें हमारा मानदेय प्राप्त नहीं हुआ, जिसका कि हमें पहले वादा किया गया था। नियुक्ति के पहले हमें बताया गया था कि 6000 रुपये प्रति माह हमें मानदेय प्राप्त होगा, पर वो आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। उसी के लिए हम लोग आज विधायक जी को हमारी मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। और मैं 10 किलोमीटर जाके मैं कार्य कर रही थी, जो समय पर जो आयुष्मान कार्ड का जो देते थे कार्य, वो कार्य हमने करा पूरा, और जो निःशुल्क बनाया वो भी सब परेशानी सब आ रही है अभी, तो इसलिए हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। हमारा वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हमारी पंचायत यहाँ से कम 5 किलोमीटर है, 5-10 किलोमीटर, किसी की 12 किलोमीटर, तो वो उसमें गाड़ी में पेट्रोल डालने के भी पैसे नहीं है, और जिसके चलते हमें बहुत अन्य समस्याओं का, कठिनाई का, परेशानी हो रही है हमारे। ये मैं आज ही अभी अपने लेटर पेड लगा करके लिख करके मुख्यमंत्री को भेज दूँगा, जो भी कार्रवाई वो निर्णय लेना है, क्योंकि प्रदेश की सरकार तो, हम तो कांग्रेस के एमएलए हैं और भारतीय जनता पार्टी की है, अब उनका विचारधारा अलग अलग है। अब हम लोग तो आप लोगों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, पूरा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी आप लोगों के साथ, पूरे शिक्षक के हर वर्ग के साथ, कर्मचारी पूरे मन जैसे उनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, अब वो आप लोगों को समझना है। तो इस तरीके से हम आप लोगों का प्रस्ताव भेज देंगे आज। उन्होंने अपनी समस्या के संबंध में आवेदन दिया है, इनके द्वारा पंचायत स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य निरंतर किया जा रहा था, लेकिन जब से इन्हें संबंधित वेंडर द्वारा पंचायतों पर नियुक्त किया गया है, इनके वेतन के संबंध में कोई आज तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है उन्होंने। हालांकि ये शासन के अधीन एक वेंडर है, जिसके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है, तो इस संबंध में हम भी जिला स्तर पर भी कलेक्टर साहब और सीओ साहब को ये बात ध्यान में ला चुके हैं। मैं भी अपेक्षा करता हूँ कि इन्हें इनकी जो इन्होंने जो काम किया है उसके लिए महात्मा गांधी सेवा केंद्र ये संचालित रहे और इन्हें पर्याप्त समय पर मानदेय प्राप्त हो। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए और ताज़ा खबर व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।
अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपके ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।